तो दोस्तों आप अपने फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज को रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने अपने फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट कर दिया है तो उसे रीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक अकाउंट यहाँ पे ओपन करना होगा, ठीक है। फेसबुक अकाउंट को ओपन करने के बाद प्रोफाइल दिखेगा, प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना होगा। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग के ऊपर, सेटिंग पर क्लिक करना होगा। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए ऊपर है अकाउंट, अकाउंट में यहाँ सबसे नीचे देखिए ऑप्शन मिलेगा एक्सेस एंड कंट्रोल। तो सिंपली आपको एक्सेस एंड कंट्रोल पर क्लिक करना होगा। एक्सेस एंड कंट्रोल पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर आगे लिखा हुआ आगे एक्सेस एंड कंट्रोल, ये लोडिंग लग रहा है। और लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे ऊपर देखिए आपका यहाँ पे एक ही ऑप्शन शो होगा डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, और उसके नीचे देखिए मेरा एक ऑप्शन शो रहा है रीएक्टिवेशन। अगर आपने आज से 30 दिन पहले तक कोई भी अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है या फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट किया है तो वहाँ पे आपका नीचे शो हो जाएगा रीएक्टिवेशन का पेज। देखिए मैं दो चार दिन पहले अपने फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट किया था तो यहाँ पे देखिए रीएक्टिवेशन आ गया, क्योंकि फेसबुक का ये नियम है कि अगर आप किसी भी फेसबुक अकाउंट को अपना या किसी भी फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट कर देते हैं तो आपको फेसबुक 30 दिन का समय देता है उसको रीएक्टिवेट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं नहीं भाई मेरे को गलती से मैंने फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज को डीएक्टिवेट कर दिया है तो मैं उसे 30 दिन के अंदर रीएक्टिवेट कर सकता हूँ, तो फेसबुक आपको ये टाइम देता है। तो देखिए 5-6 दिन पहले मैंने डीएक्टिवेट किया था अपने फेसबुक पेज को, तो उसको मैं रीएक्टिवेट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे नीचे आ गया रीएक्टिवेशन। रीएक्टिवेशन है प्रोफाइल और पेज, मतलब रीएक्टिवेशन आप प्रोफाइल को भी रीएक्टिवेट कर सकते हैं या पेज को भी रीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए दोस्तों मैंने जेड लेवल फैक्ट एक फेसबुक पेज है उसको डीएक्टिवेट किया था। देखिए मतलब यहाँ पे 29 दिन लेफ्ट दिखा रहा है क्योंकि मैंने कल ही के टाइम में किया था, तो यहाँ पे और 29 दिन टाइम है मेरे पास, 29 दिन तक मैं इसे रीएक्टिवेट कर सकता हूँ। 29 दिन के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिलीट हो जाएगा, तो मैं यहाँ से रीएक्टिवेट पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही रीएक्टिवेट पर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, देखिए आपको रीएक्टिवेट पर क्लिक करना है। तो रीएक्टिवेट पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों स्विचिंग टू जेड लेवल फैक्ट, मतलब स्विचिंग टू मेरा जो ये फेसबुक पेज है ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों अब यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरा ये फेसबुक जो पेज है देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट या फेसबुक पेज को रीएक्टिवेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, अगर आपने उसे डिलीट किया है कुछ ही समय पहले। फेसबुक पेज है देखिए यहाँ पे मेरा जेड लेवल फैक्ट फेसबुक पेज है, तीन ही पहले पेज था लेकिन यहाँ पे सबसे नीचे देखिए जेड लेवल फैक्ट मेरा फेसबुक पेज यह रीएक्टिवेट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। फिर से मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।